रवि दहिया इससे पहले गोल्ड जीत चुके हैं और अब बारी है विनेश फोगाट की दोस्तों, और देखना बस यही है कि कितनी देर में विनेश ये मुकाबला जीतेंगी, क्योंकि पलड़ा उनका जाहिर तौर पर भारी है। लेकिन चमोदिया जो कि श्रीलंका की हैं, जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, क्या कहीं विनेश की पार्टी वो खराब कर सकती हैं? असंभव है, लेकिन होनी को कुछ भी हो सकता है। आपकी बात मान भी ली जाए सुनील, नहीं मेरी अगर... बात तो ये कि विनेश गोल्ड ला रही है तो ये खेलों में हम किसी को कमतर नहीं आंक सकते, और आंकड़ा भी नहीं चाहिए। गोल्ड विनेश का ही है क्योंकि क्लासिफिकेशन पॉइंट उनके ज्यादा है। लेकिन श्रीलंकन रेसलर का फायदा जरूर हो जाएगा, वो सिल्वर या ब्रांस पे आके खड़ी हो जाएगी। यहाँ तो चित करने की कोशिश में है विनेश, चार पॉइंट की लीड है। पावलिना जॉर्जियू देख रही हैं कि दोनों कंधे मैट पे कब लगाएंगी विनेश। विनेश घुमा दीजिए चमोदिया को अच्छी तरह से, स्टेडियम की छत भी दिखा दीजिए, पर चमोदिया की तारीफ है, अब तक तारीफ है। जिस पोजीशन में विनेश हैं, दोनों कंधे उनके मैट पे लगने थोड़े से मुश्किल। पावलिना जॉर्जियू भी देख रही हैं कि दो कंधे मैट पे लगे या नहीं। पीछे से आवाजें आ रही हैं, बस करो विनेश, क्या खुद ही ये गिव अप कर सकती हैं? क्योंकि एकदम किसी भी तरह से कोई आशा नहीं दिख रही चमोदिया को विनेश की इस पकड़ से छूटने की। पावलिना जॉर्जियू कितना टाइम ले रही हैं अपना फैसला बनाने में, क्योंकि उनको दोनों कंधे मैट पे चाहिए। चमोदिया पूरी तरह से बेबस नजर आ रही है विनेश की इस ग्रिप के अंदर, कोई आसार नहीं मिल रहे चमोदिया को इस पकड़ से छूटने के। और पावलिना लगातार मैच चेयरमैन की तरफ भी देख रही हैं कि क्या इस बाउट को मैं खत्म घोषित करूं। तब भी रेफरी मैच चेयरमैन जज इसको छुड़ाने के लिए कभी भी छुड़ा नहीं सकते, और डेंजर पोजीशन में है, इसीलिए चार पॉइंट विनेश को मिले थे। ये मूव तब तक चलता रहेगा या तो राउंड खत्म हो जाए या कंधे लग जाए जमीन पर। तीसरी के लिए गोल्ड मेडल भारत के लिए, 11वां गोल्ड मेडल।